जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना के द्वारा रैम्पेज मिसाइल को अब अपने बेड़े में, अपने फोर्सेस में इंडक्ट कर लिया गया है, जिससे कि हमारी स्ट्राइक रेंज की कैपेबिलिटी और भी स्ट्रांग होती जाएगी। तो चलिए जानते हैं कि ये रैम्पेज मिसाइल है क्या और किस प्रकार से हमारी सेनाओं को शक्तिशाली कर रही है। जैसा कि अभी की न्यूज के अनुसार, रैम्पेज जो कि एक प्रकार की लॉन्ग रेंज सुपरसोनिक एयर टू ग्राउंड मिसाइल है, उसको इजरायली एयरफोर्स के द्वारा यूज किया जाता है और इजरायली एयरफोर्स इस प्रकार की मिसाइल को मैन्युफैक्चर भी आपका किया करती है। तो इस मिसाइल को अब जो है भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना के द्वारा अपने बलों में आपका शामिल कर लिया गया है, जिससे कि अपनी एयर टू ग्राउंड अटैक कैपेबिलिटी को बेहतर कर पाएंगे। अभी जो इजरायली फोर्सेस हमास के विरुद्ध या फिर ईरान के विरुद्ध कार्य कर रही हैं, उन और उनसे निपटने के लिए इजरायली एयरफोर्स के द्वारा इस प्रकार के मिसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसको हम हाई स्पीड लो ड्रैग मार्क सेकंड के नाम से भी जाना करते हैं और इसकी रेंज टोटल 250 किलोमीटर की है। तो 250 किलोमीटर की रेंज काफ़ी बेहतर होती है। आप जानते हो कि भारत में हमारे DRDO और BDL के द्वारा डिजाइन डेवलप मैन्युफैक्चर होने वाली अस्त्र मिसाइल है, जिसका हमने दो वेरिएंट बनाया है, अस्त्र मार्क वन मार्क सेकंड, और इसकी रेंज 100 से लेकर 160 किलोमीटर तक जाती है। तो हमें इस प्रकार की मिसाइल की जरूरत थी कि वो 250 किलोमीटर तक आपकी स्ट्राइक कर सके। इस कारण से हमारे दोनों सेनाओं के द्वारा इसको आपका अपने सेना में प्रक्यूर किया गया है, इंडक्ट कर लिया गया है। भारतीय वायुसेना इस मिसाइल का प्रयोग Su-30 MKI और हमारी MiG-29 जगुआर फाइटर एयरक्राफ्ट के माध्यम से आपका किया करती है, जिससे कि हम इस मिसाइल को किसी भी ज्योग्राफिकल एरिया में आसानी से फायर आपका कर सके। वहीं पर इंडियन नेवी के पास जो रशिया का MiG-29 के नेवल फाइटर एयरक्राफ्ट है, उसमें इस मिसाइल को लगाया गया है। तो मेनली ये एयर एक्सरसाइज है, एयर टू ग्राउंड यानी कि वायु से सतह में मार करने वाली। इसका टारगेट इतना हाई वैल्यूएबल है कि इसको किसी भी रडार सिस्टम पर पकड़ पाना काफ़ी मुश्किल आपका रहा करता है। इसमें इस मिसाइल की स्पेसिफिकेशन ये है कि इसमें सॉलिड प्रोपोलेंट रॉकेट इंजन लगा है। फ्लाइट एल्टीट्यूड 30 से लेकर 40,000 फीट तक आपकी जा सकती है। टोटल मास इसका 570 किलोग्राम। मैक्सिमम स्पीड 1 से लेकर 1.6 मैक तक की है। और आप जानते हो कि कोई ऑब्जेक्ट अगर स्पीड ऑफ साउंड से तेज चलता है तो उसको हम मैक कहा करते हैं। ऑपरेशन रेंज इसकी 150 से 250 किलोमीटर तक की है और हमारे सेनाओं पास जो वेरिएंट है वो 250 किलोमीटर वाला है। अगर हम रिसेंटली अदर डेवलपमेंट देखें भारतीय वायुसेना के, और वो भी इसराइल से संबंधित, तो अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले ही ये पढ़ाया था कि भारतीय वायुसेना ने क्रिस्टल मेज सेकेंड, जिसको रॉक्स मिसाइल कहा करते हैं, उसको अंडमान निकोबार में जो है Su-30 एयरक्राफ्ट से आपका फायर किया। और ये सभी मिसाइल जो हैं पाकिस्तान और चाइना के दिलों में खौफ उत्पन्न करने के लिए पूरी तरीके से कैपेबल है। ये भी जो आपकी क्रिस्टल मेज मिसाइल है उसकी भी रेंज 250 किलोमीटर है और इस प्रकार की मिसाइल को हम बियॉन्ड यूजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल आपका कहा करते हैं। तो एयर टू एयर मिसाइल या फिर एयर टू ग्राउंड मिसाइल, दोनों की कैटेगरीज हमारे पास शामिल है। वहीं पर भारतीय वायुसेना ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का भी काफ़ी अच्छा खासा प्रयोग किया करती है और इसराइल के साथ जो हमारे डिफेंस रिलेशंस हैं बेहतर हैं, आगे हम उसको बढ़ा भी रहे हैं और रैम्पेज मिसाइल से दोनों सेनाएँ और भी शक्तिशाली होती जा रही हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ SSB क्रैक एग्जाम के इंटरव्यू और रिटर्न कोर्सेज जैसे कि NDA, CDS, MNS, टेरिटोरियल आर्मी, ACC में इनरोल होकर अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी कर लें। वो और रिटर्न कोड का यूज करें जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट हमारे सभी कोर्सेज में मिलता जाएगा। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google Play Store से भी डाउनलोड कर सकते हैं।